हेलो हेलो बच्चों, आ जाओ सारे लोग, एवरीबडी। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डिस्कशन। हमने भाई जो स्टार्ट कर रखा था वो था मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, तो हमने यही बोला था कि जो मॉड फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेसर देन जीरो। समझ रहे हो आप इस बात को? ये अपनी मॉड की डेफिनेशन थी। फिर हमने ये बोला था कि जैसे आपको कोई बोले कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, इसकी आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है भाई। एक्स की कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है? तो हमने आपको बताया था कि आप पहले क्या करो, मॉड एक्स इक्वल टू 5 वाले पॉइंट देखो। तो अपने को पता है कि एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 5। इनको आप रियल लाइन पे प्लॉट कर लो, माइनस 5 प्लस 5। अपने को पता है 5 से बड़ा होना चाहिए, माइनस 5 से छोटा होना चाहिए। तो सॉल्यूशन आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? यही सॉल्यूशन आएगा भाई बच्चों आपका। अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सबको क्लियर है ये सॉल्यूशन? एवरीबॉडी ठीक है भाई? यदि ये क्लियर है तो ये भी आपको क्लियर होगा। यदि मैं आपको बोलूं कि मॉड एक्स इज लेसर देन 8, तब क्या होगा? वही सेम पॉइंट लिखो आप, माइनस 8 और 8, और अपने को पता है ये वैल्यू जाएगी माइनस 8 और 8 के बीच में। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा मेरा एक्स बिलोंग्स टू माइनस 8 टू 8। आएगा कि नहीं आएगा भाई? तो इस प्रकार से आप इन इनइक्वालिटीज का आंसर बता सकते हो। अब ये चीज तो हमने कल ही डिस्कस कर ली थी कल की क्लास में। आज का जो अपना डिस्कशन रहेगा वो देखो क्या रहेगा। तो लेट्स सी, अब आप इस इनइक्वालिटी को ब्रेक करने की कोशिश करो। कैसे ब्रेक करेंगे तो वो देखो भाई। आप जैसे यही एग्जांपल है भाई, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। यहां पे क्या हो रहा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप इस प्रकार से प्लॉट कर रहे हो भाई, माइनस 5 5, 5 से तो बड़ा माइनस 5 से छोटा। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख दूं, एक्स इज लेसर देन माइनस 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो यहां पर आप बताओ भाई, और आएगा कि एंड आएगा? आप बताओ देखें मुझे भाई। तो इस सॉल्यूशन को मैं एक्स लेसर देन माइनस 5 और लिखूं या एंड लिखूं एक्स ग्रेटर देन 5, क्या लिखूं मैं इसको? तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसके बीच में तो क्या आएगा, और स्टेटमेंट आएगा। ऑब्वियस बात है, और का मतलब होता है यूनियन करना, लिखना। तो यहां आएगा और। तो एक्स लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 5, और का मतलब हो गया यूनियन, और ये हो गया मेरा 5 टू इनफिनिटी। तो इस प्रकार से आप इस ये जो एक इनइक्वालिटी है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5,
इसको आप इस प्रकार से दो इनइक्वालिटीज में ब्रेक कर सकते हो, और ये जो दो इनइक्वालिटीज है वो और लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्टेड होगी और आएगा इसके बीच में। ओके, इसी को आप इस एग्जांपल से समझो। अब मैं आपके सामने लिखता हूं मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेसर देन 10, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपने को पता है कि -10 और 10, तो -10 और 10 तक जाएगा ये सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन मैं लिखूंगा x की वैल्यू -10 से बड़ी है तो x इज ग्रेटर देन -10, और x की वैल्यू 10 से छोटी है तो x इज लेसर देन 10। अब आप बताओ इसमें और आएगा या एंड आएगा, आप बताओ भाई इसमें और आएगा कि एंड आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। एंड क्यों आना चाहिए कि भाई x की वैल्यू -10 से बड़ी भी हो लेकिन x की वैल्यू 10 से छोटी भी हो। तो देखो इन दोनों का आप एक बार प्लॉट करो, ये रहा -10, ये रहा 10, x इज ग्रेटर देन -10, तो x इज ग्रेटर देन -10 यानी ये पूरी लाइन, और x इज लेसर देन 10 यानी ये पूरी लाइन। एंड आया है, एंड का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो ये मैं जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ये है, प्लॉट होकर के आएगा कि नहीं आएगा, जो किसके बराबर है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए इस बात को? ये बात भाई आपके समझने के लायक है, इस चीज को आपको समझना है, समझो इस चीज को आप सारे के सारे बच्चे। सारे लोग क्लियर है भाई इस चीज को लेकर के, कैसे हो रहा है ये? तो ये भाई ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से आपके सामने जो बुक्स वगैरह आप फॉलो करते हो, गाइड्स वगैरह, उसमें ये लिखा रहता है, ये दो प्रॉपर्टी लिखी रहती है कि मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना वो सॉल्यूशन आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये आपके एज ए प्रॉपर्टी लिखा रहता है। और इसको ऐसे ब्रेक करते हैं वो लोग, एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो ये प्रॉपर्टी बन गई ना यार। इसी एग्जांपल से हमने ये सीखा है x इज ग्रेटर देन 5, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो। या आपको कोई बोले कि मॉडुलस ऑफ x इज लेसर देन इक्वल्स टू a, जहां पर a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो जो x का वैल्यू है वो आएगा मेरा माइनस ए से a में, तो आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू a, ये आपको समझना है। ये दोनों इनइक्वालिटीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस मॉडुलस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये कैसे लिखा गया है और इसको ये किस प्रकार से और लगा के हमने इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट में ब्रेक किया है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है, इसको भी आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो बीच में एंड लगाकर। आपको समझ में आ गई ये चीजें भाई आपको समझ में आ जानी चाहिए। सारे बच्चे इस चीज को लेकर के क्लियर हैं? किसी को कोई इशू नहीं है भाई? न्यू सॉन्ग एचडी, यस सर। 11th का सिलेबस कब से चलेगा? यस क्लियर सर। बच्चे ये 11th का ही सिलेबस चल रहा है, ये आपका जो इनइक्वालिटी टॉपिक है ना, आप एनसीईआरटी में देखना टॉपिक नंबर 6 है ना, वो इनइक्वालिटी ही है। तो ये आपका 11th का ही सिलेबस चल रहा है, इसकी हमने ऑलरेडी बेसिक मैथ की अपनी 8-9 क्लासेस हो चुकी है, आप वो सारी की सारी क्लासेस देखो, है ना, ये 11th का ही सिलेबस चल रहा है आपके। ये हम लोग आईआईटी जेई के हिसाब से पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। ओके, अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। तो दिखाओ भाई, अब इतनी चीजें आपको यदि क्लियर हो गई है, अब आप मुझे एग्जांपल सॉल्व करके दिखाओ। एग्जांपल है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन लेसर देन और इक्वल्स टू 9। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको करना है कि भाई x की कौन कौन सी वैल्यूज होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बताओ देखें भाई आप लोग। बुक्स बताते हैं भाई, बुक्स की लिस्ट का कैसे क्या फॉलो करनी है बताएंगे आपको। तो x माइनस वन इज लेसर देन और इक्वल टू 9, इसका मतलब देखो ये वही है, अंदर क्या लिखा हुआ है उसको एक बार छोड़ो, अंदर मान लो कोई एक a लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ a इज लेसर देन और इक्वल टू 9, ये लिखा हुआ है। अब a की जगह x माइनस वन है, तो इसका सॉल्यूशन हमने अभी लिखना सीखा ही था
कि भाई कभी भी मॉड एक्स यदि आपका ए या ए से छोटा है तब जो एक्स का वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करता है, माइनस ए से ए के बीच में होता है, तभी इसका सॉल्यूशन हो पाता है। तो ये तो यही लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ए का वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस नाइन से लेकर के नाइन तक जा रहा है। ए का मतलब क्या है, एक्स माइनस वन, तो माइनस नाइन ये आ गया मेरा एक्स माइनस वन, एस टेन इक्वल्स टू नाइन। अब मुझे तो एक्स का इंटरवल निकालना है, यहां पे मुझे दिख रहा है माइनस वन, तो इस पूरी इनइक्वालिटी में मैं प्लस वन कर देता हूं और इनइक्वालिटी में नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह आ गया माइनस नाइन प्लस वन, यह आ जाएगा मेरा एक्स माइनस वन प्लस वन, और यह आ जाएगा मेरा नाइन प्लस वन। पूरी इनइक्वालिटी मैंने वन वन कर दिया, ये तो जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस एट एक्स और ये टेन। तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, तो इसका सोल्यूशन आ गया बच्चों मेरा, इसका सोल्यूशन आ गया माइनस एट टू टेन। तो x belongs to minus 8 to 10, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो इस प्रकार से आप इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी एनी डाउट? किसी का भाई कोई डाउट है तो बताइए। ओके, कोई डाउट दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं, देखो भाई आपका कैसे होता है इसमें। मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11 लिखा हुआ है आपके लिए। इसका सॉल्यूशन आपको करना है भाई, इसका सॉल्यूशन बताओ देखें आप। बताओ इसका सॉल्यूशन, मुगीस आलम, हेलो। हाँ भाई बताओ मुगीस, इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ आप मुझे। ओके, देखो भाई मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स माइनस टू, तो मोड से आप क्या करो एक माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो मोड के अंदर क्या बन गया एक्स प्लस टू और यह क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब मोड के अंदर मैंने आपको कल ही बताया था, मोड के अंदर आप ए लिखो या मोड के अंदर माइनस ए लिखो, बात तो एक ही है भाई, मोड 5 का वैल्यू भी 5 होगा और मोड माइनस 5 का वैल्यू भी 5 ही होगा, ये चीज अपन सबको बताया। तो मोड में माइनस का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो ये लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, यही तो लिखा हुआ है बच्चों। ओके, अब देखो कि x प्लस टू जो ये कोई नंबर है वो 11 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया ना कि x प्लस टू या तो माइनस 11 से छोटा होगा और या जो x प्लस टू है वो 11 से बड़ा होगा। अरे भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा ऐसा, ये इस इनइक्वालिटी का यही तो मतलब होता है। अभी आपको बताया था कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब होता है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यही तो इसका सॉल्यूशन आपको बताए थे, तो यही वो चीज है, ठीक है। अब जब ये वही चीज है तो इसको तो बस दो पार्ट में आपको सॉल्व करना है। अब फटाक से आप इसका सॉल्यूशन बता दो मुझे, तो पहली इनइक्वालिटी इस दो को तो आप उधर ले जाओ, तो ये आ गया मेरा x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 13 और ये कितना आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, आया कि नहीं आया। तो पहली इनइक्वालिटी बोल रही x का वैल्यू माइनस 13 या उससे छोटा, यानी सॉल्यूशन लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 13, और का मतलब होता है यूनियन लगाना, और दूसरा है 9 से बड़ा, तो 9 टू इंफिनिटी, तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बन गया आपके। यानी x का वैल्यू जब माइनस 13 से छोटा होगा या x का वैल्यू आपका 9 से बड़ा होगा तब तब ये इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाइड रहेगी, तब तक इसका ये वैलिड स्टेटमेंट रहेगा मैथमेटिकली। कोई दिक्कत भाई किसी आदमी को, एनीबॉडी एनी इशू?
अच्छा फर्स्ट डे है बेटा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इससे जो पहले जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथ डाल के देखो, 11th के नाम से सारे के सारे 10-11 लेक्चर वहाँ अपलोडेड हैं। आप उन सबको देखो, है ना। आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि हम एक सिक्वेंस में चल रहे हैं। आज यदि आपका फर्स्ट डे है तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में नहीं आ रही होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके लिए बेटा आपको शुरू के जो 8-10 लेक्चर्स हैं ना वो सारे देखने पड़ेंगे, तभी आप इन लेक्चर्स को समझ पाओगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलो अब आप सारे बच्चे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए करके दिखाओ। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, करो देखें कैसे आप उसको सॉल्व करते हो। क्वेश्चन है आपके लिए, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड एक्स, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सारे लोग सॉल्व करो देखें। बताओ देखें इसका सॉल्यूशन भाई, सारे के सारे आप लोग देखो भाई, ये भी बहुत आसान है। अंदर क्या लिखा हुआ है आप उसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करो। आपके सामने ये लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस चार है, या तो वो माइनस 12 से छोटा है, और या जो अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस चार वो 12 से बड़ा है, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इधर ले आओ। ये कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 4 प्लस का 12, यानी ये कितना आ गया बेटा, प्लस का 8 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस का 8 लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखो तुम ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 0। यार ऐसा कभी थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, आप एक्स का कोई भी रियल नंबर रखोगे, एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। प्लस 8 लिखा हुआ है तो ये और ज्यादा उसको ऐड करेगा, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, ये नंबर तो हमेशा 8 या 8 से बड़ा रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, हमेशा 8 या 8 से ज्यादा नंबर आएगा। इसने बोला है कि ये 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। अरे भाई पॉजिटिव नंबर है, वो 0 छोटा कैसा हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन आ गया मेरा, एक्स बिलोंग्स टू 5। एक्स बिलोंग्स टू 5 का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ओके ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसको तो आप फैक्टराइज कर लो, तो इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे आगे ना, और ये तो सिंपल वेवी करो मेथड से आप देख सकते हो भाई, इसके रूट है माइनस 4 4, कोई क्रॉस का साइन नहीं आएगा, सिंपली प्लस माइनस प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जिन्होंने वेवी करो मेथड नहीं पढ़ा है वो मेरा पिछले वाला लेक्चर जरूर देखें, उसके बिना यहां पर काम नहीं होगा। तो दो तरह की चीज मेरे सामने आ गई भाई, क्या आ गई, एक तो आया है मेरा सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 5, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, और लगा के x बिलोंग्स टू,
मुझे पॉजिटिव चाहिए तो एक तो ये सॉल्यूशन क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस चार यूनियन फोर टू इंफिनिटी, आया कि नहीं आया है। अब देखो ये और का मतलब होता है यूनियन लेना, एक तो ये सॉल्यूशन है उसके साथ कुछ नहीं, कुछ में कुछ नहीं जोड़ना, मतलब जो कुछ है वही बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस फोर यूनियन फोर टू इंफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार से आपको इसको हैंडल करना है। इस प्रकार से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप मुझे, एनीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, नीचे कमेंट्स में लिखो आप किसी को कोई दिक्कत हो तो। ओके, तो एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। करो देखे सोल आप, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन है मॉडुलस, उसके अंदर है मॉडुलस ऑफ x माइनस फाइव, उसके अंदर है माइनस का फाइव, और इसके ऊपर एक बार और मॉड है, और लिखने वाले लिखा है लेस देन और इक्वल्स टू एट। ये क्वेश्चन है, यानी मॉडुलस, उसके अंदर एक मॉड x माइनस फाइव, फिर माइनस फाइव, और फिर उस पूरे का मॉड, और वो मेरा आठ या आठ से छोटा होना चाहिए। बताओ देखे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, शुरू हो जाओ सारे के सारे बच्चे, इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। बताओ भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई आंसर, कोई आंसर नहीं आ रहा भाई, चलो भाई मैं ही सॉल्व करता हूं। अब देखो भाई आप, डबल मॉडुलस है यहां पर, है ना, डबल ट्रिपल कुछ भी हो लॉजिक हमेशा सेम ही रहेगा, तो आप तो लॉजिक को समझने की कोशिश करो, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस हो जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो भाई कैसे, तो ये ऐसे, सबसे पहले अपने को क्या काम करना, अपने को मॉडुलस हटाना है, तो तुम देखो जो बड़े वाला मॉड है उसके अंदर ये कोई एक चीज लिखी हुई है ना, ये मान लो कोई a लिखा हुआ है, यानी मोड a इज लेस देन इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि जो a है, इसका मतलब जो a है यानी जो मॉडुलस ऑफ x माइनस फाइव माइनस फाइव है, वो माइनस आठ से बड़ा भी है, एंड जो अंदर लिखा हुआ नंबर है मॉडुलस x माइनस फाइव माइनस फाइव, वो आपका आठ से छोटा भी है, यही तो मतलब होता है मोड a लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एट एंड ए इज लेसर देन इक्वल टू एट, यही तो मतलब होता है इसका, अभी आपको समझाया था, तो बस ए की जगह ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये आ गया है मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फाइव, और ये आ गया मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर क्या दिया गया माइनस का तीन, ये आ गया मेरा एंड, इसको देखो तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फाइव लेसर देन और इक्वल टू 13,
ये आया कि नहीं आया भाई? ओके, अब देखो इसको बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो आप। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस फाइव है उसका वैल्यू माइनस तीन से बड़ा होना चाहिए। तो अपने को पता है कि मॉड्यूलस का तो जो वैल्यू है मॉड एक्स है वो तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहता है कि नहीं रहता है? मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये तो बोल रहा है कि मॉड का वैल्यू ना माइनस तीन से बड़ा होना चाहिए। तो भाई आप इसमें एक्स का कोई सा भी वैल्यू रख लो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा और वो पॉजिटिव नंबर तो माइनस तीन से हमेशा ही होगा ना। तो यहां से तो सॉल्यूशन आ गया मेरा, एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डाल दो वो इस इनइक्वालिटी को तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? कॉमन सेंस है, कोई इसमें नया बात नहीं है। इसको देखो भाई, यहां पर है मेरा एंड, और अब ये इनइक्वालिटी क्या बन गई? ये अब देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी में एक और इनइक्वालिटी बन गई सॉल्यूशन में, कि ये इसने दिख दिया ना कि मॉड ए जो है वो 13 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जो x माइनस फाइव है वो मेरा जो नंबर है वो माइनस 13 और 13 के बीच में होना चाहिए, तभी तो ये वाली चीज वैलिड रहेगी। तो ये आ गया मेरा x बिलोंग्स टू r, एंड आप इसमें 5 ऐड कर लो तो ये आ गया माइनस 8 एक्स, और ये आ गया मेरा 18। 5 को ऐड करने से यहाँ आ गया माइनस 8 18, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया मेरा x बिलोंग्स टू कितना भाई, माइनस 8 टू 18। तो एक तरफ है x बिलोंग्स टू r और एक तरफ है माइनस 8 टू 18। अब मुझे बीच में एंड है मतलब इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो ये तो सब कुछ है और ये थोड़ा है, तो कॉमन क्या आएगा? थोड़ा वाला। तो कॉमन इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस 8 टू 18, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप x का वैल्यू माइनस 8 और 18 के बीच में रखो, ये इसको सेटिस्फाई हमेशा करेगा। समझ गए क्या आप इस बात को सारे बच्चे? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई। किसी को कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत हो तो बताओ आप मुझे। दिक्कत नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन मुझे और सॉल्व करके दिखाओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप मेरे लिए। मॉडुलस ऑफ x माइनस फाइव अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ आप मुझे। इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये कैसा नंबर है? ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। ये भी कैसा नंबर है? ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसने बोला कि ये हमेशा आपका जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये दो मोड हैं यार, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और इसने बोला है कि वो आपका जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यार ये तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही आएगा ना भाई। ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मोड एक्स माइनस फाइव है वो भी हमेशा पॉजिटिव है, मोड एक्स माइनस एट है वो भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ये जो इसका आउटपुट जो आएगा वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही आएगा। तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग या सबके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए x belongs to r। आप बोलोगे सर ये तो हमेशा वैलिड है। इस आंसर देने में बस एक ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि x belongs to r लिखते ही आपने x को ना माइनस 8 के इक्वेट भी कर दिया, माइनस 8 भी हो गया, लेकिन x का वैल्यू तुम देखो इस फॉर्म को बनाए रखने के लिए मैं x का वैल्यू माइनस 8 नहीं ले सकता ना, क्योंकि माइनस 8 लेने से इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, फाइनल सॉल्यूशन आएगा रियल नंबर माइनस 8। 8 को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 x का वैल्यू 8 होने से
एक्स का वैल्यू 8 होने से ये जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है वो अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इनका आंसर देते टाइम आप बड़े ध्यान से सुने भाई इन चीजों को। एक आप इसी तरह का क्वेश्चन और करके दिखाओ, तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 या एक्स माइनस 4 का मॉड इज लेसर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके दिखाओ, देखा आप मुझे। बताओ देखें भाई, तो अब तुम देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। इसने बोला कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो अपने को बताइए कि a इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? a इज लेस देन 0 और a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है या तो ये 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। अब ये नंबर 0 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आएगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4, ये क्या हो जाए? ये 0 के बराबर हो जाए। अब तुम देखो भाई, ये 0 के बराबर कब होगा? अब आप मुझे एक बड़े काम की बात सुनाना, अब आप एक काम की बात सुनो भाई, सारे के सारे लोग बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। आपको कोई बोले कि a अपॉन b का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता है कि a इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें a इक्वल टू 0 बोलना अधूरा बात है, इसमें होता है a इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 भी होना चाहिए लेकिन b आपका नॉन जीरो भी होना चाहिए, तभी आपका a अपॉन b इक्वल टू 0 माना जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि a अपॉन b का वैल्यू 0, इसका मतलब है a तो 0 होगा एंड b नॉन जीरो होगा। तो इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 है ना, ये तो होगा 0 एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 है, ये होगा मेरा नॉट इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना? इसको देखो तुम, ये 0 के बराबर कब होगा? जब x स्क्वायर माइनस 9 0 होगा। इसका मतलब x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 9। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस 3। और नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए इसने क्या बोला है? नॉट इक्वल टू 0 x का वैल्यू बस 4 के बराबर नहीं हो जाना चाहिए। x का वैल्यू 4 के बराबर होने से दिक्कत है। अब मुझे पता है कि x का वैल्यू एक तो है प्लस माइनस 3 और एक माइनस 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का तुम जो इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आ जाएगा प्लस माइनस 3। अरे हाँ कि ना? तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट आएंगे, और वो क्या आएगा? माइनस 3 और 3। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी इस इनइक्वालिटी को सिर्फ x की दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, माइनस 3 और 3, और कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना यहां पर क्या हुआ है? श्री प्रकाश नमस्कार भाई। देखो यहां से आपको एक चीज सीखनी है बच्चों, है ना? इस चीज को देखो आप, जैसे आपने मान लो x का वैल्यू रख दिया इसमें, मान लो 5, x का वैल्यू 5 रखा और फिर आपने चेक करा, ये आ गया देखो 25 माइनस 9 अपॉन 5 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। 25 माइनस 9 आएगा 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना, 0 या 0 छोटा थोड़ी ना है। तो इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ x का दो वैल्यू डाल सकते हो, 3 और माइनस 3, बस, और कुछ नहीं रख सकते आप इसमें। समझ गए भाई आप इस चीज को? इसको समझना है भाई आपको कि ये सब कैसे हो रहा है। किसको कोई दिक्कत हो तो बताओ आप मुझे, और आगे का मुझे आप सॉल्व करके दिखाओ। देखें एक दो क्वेश्चन बेसिक्स पे। मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, इसका भी मॉड है एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये बताना है आपको मुझे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताओ आप मुझे। एवरीबॉडी सॉल्व करो, देखें
बताओ 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 बताओ। चलो भाई मैं ही बताता हूँ आपको। अपने को पता है कि ये इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू जीरो है, या तो ये जीरो होगी या जीरो से छोटी होगी। जीरो छोटी थी कभी नहीं होगी, इसका मतलब ये जीरो होगी। और ये जीरो कब होगी? जब मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 होगा जीरो, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 क्या होगा? नॉन जीरो। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 जीरो कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 16 जीरो होगा। और ये जीरो कब नहीं होगा? जब एक्स का वैल्यू 4 नहीं होगा। तो ये इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू माइनस 4 और 4, और इसका सोल्यूशन आएगा एंड एक्स इज इक्वल टू नॉट 4। इसका सोल्यूशन आया माइनस 4 और 4 के बराबर, और ये बोल रहा है 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड है मतलब इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्स बराबर माइनस 4। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, एक्स बराबर माइनस 4। समझ रहे हो भाई आप इस चीज को? तो इस प्रकार से अपन मॉडुलस इनइक्वालिटी की कुछ बातें आज हमने करी। आगे के अपन कुछ चीजें इसमें और करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज लेंगे, और फिर मैं आपको लॉगरिथम्स पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो आप उसमें नीचे लिख देना। ठीक है भाई, ओके।